Hello friends, welcome to my channel. My name is Abhishek. Now we'll see how to print the elements of a single linked list using recursion. ठीक है, हम दो प्रोग्राम देखने वाले हैं बेसिकली. एक हमारा सिंपल सा ये फंक्शन हम देखेंगे और दूसरा फंक्शन देखेंगे. दूसरे फंक्शन में हम बस इनको इंटरचेंज करने वाले हैं बेसिकली. सो वट वी आर सपोज टू डू इज हमको प्रिंट करनी है अपने लिंक लिस्ट की वैल्यूज. दैट इज वी आर सिंपली ट्रेवर्सिंग द लिंक लिस्ट बट विद द हेल्प ऑफ वट रिकर्जन. सो हम रिकर्जन यूज करके गए इसको पूरा सिंपली सीधे तरीके से ही प्रिंट करेंगे. दैट इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड वी विल ऑल्सो प्रिंटेड इन द बैकवर्ड डायरेक्शन एज वेल. दैट इज 4321 करके भी आउटपुट देखने वाले हैं. एंड गाइज, इफ यू आर न्यू टू द चैनल, आई वुड लाइक टू टेल कि हमारी लिंक लिस्ट फॉर इंटरव्यूज की सीरीज चल रही है, जिससे पहले अप्रॉक्सिमेटली 15-16 वीडियोस डल चुकी हैं. आप चेक कर सकते हैं, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन. सो गाइज, नाउ लेट्स सी. हमको सिंपल सा एक फंक्शन एफ गिवन है एंड हमारे को इनपुट क्या दे रहे हैं, वहाँ से हम एक अपना पॉइंटर भेज रहे हैं. ठीक है, स्ट्रक्ट नोड टाइप का. हमारा स्ट्रक्चर डेफिनेशन सिंपल गाइज इस तरीके से था कुछ. स्ट्रक्ट नोड इंट डेटा, हम मतलब अपने नोड में एक डेटा पार्ट रख रहे हैं. दैट इज वन पार्ट ऑफ आर नोड विल कंटेन द डेटा एंड द सेकेंड पार्ट विल कंटेन द एड्रेस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम टाइप. ओके, सो हमारा लिंक पार्ट या फिर कहीं पे आप लिंक यूज कर सकते हो. मैंने यहाँ पे नेक्स्ट नाम से ले रखा है. तो सिंपली इस पोर्शन की हम बात करें. ठीक है, अगर हम एक सपोज एक पर्टिकुलर नोड की हम बात करते हैं. सो सिंपली वी आर हैविंग अ फंक्शन एफ एंड नाउ वी आर गिवन हेयर इफ पी. अब गाइज, इफ पी का मीनिंग क्या होता है, मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में वैसे बता चुका है, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप ध्यान रखें. इसका मीनिंग क्या होता है, इफ p is not equal to null. ठीक है, so this statement is equivalent to this statement. If p का मतलब होता है if p is not equal to null. And अगर आप लिखते हैं if not p तो वो क्या हो जाएगा, if p is equal to null. ठीक है, तो ये आपके गेट पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन छोटा सा. मतलब वो कई बार सिंपल लिखते हैं if p of next. So if p of next लिखा है तो उसका मतलब क्या होता है, if p of next is not equal to null. गाइज, ये चीज़ मैंने प्रीवियस वीडियोज में भी डिस्कस करी हुई है, इवन एक दो गेट क्वेश्चंस भी सॉल्व करके डाले हुए हैं. सो आप चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट. एंड इफ दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइड, अगर आपका पी नल नहीं है तो सिंपली विल एग्जीक्यूट दीज टू सेट ऑफ स्टेटमेंट्स. अब गाइज, हम इसको रिकर्जन क्यों बोल रहे हैं. वट इज रिकर्जन, वैसे आपको मोस्टली लोगों को पता होगा. रिकर्जन क्या होता है, एक फंक्शन को सेम अपने आप को ही कॉल कर रहा है. ओके, सो वेन योर फंक्शन कॉल्स इट सेल्फ, दिस इज वट वी कॉल एज रिकर्जन. तो आप देख सकते हैं आपके फंक्शन का नेम यहाँ पे एफ है एंड सिंपली जो आपका हम यहाँ पे फंक्शन कॉल कर रहे हैं वो हम इसी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं ना. एफ फंक्शन एफ को ही कॉल कर रहा है with some different link value. So ये हमारा हो गया सिंपल रिकर्जन का कंसेप्ट. सो अब हम इसको ट्रेस करते हैं गाइस कि हमारा आउटपुट क्या होगा. ओके, तो हमारा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी एक लिंक लिस्ट बना के रखी हुई है. सो हम इसके हिसाब से अब अपना आउटपुट निकालते हैं. तो गाइस, इनिशियली सपोज वी हैव अ लिंक लिस्ट ऑफ फोर एलिमेंट्स. हमारे पास चार नोड्स हैं और हमारा हेड पॉइंटर क्या होता है, विच पॉइंट्स टू द फर्स्ट नोड ऑफ योर लिंक लिस्ट. तो ये हमारे एड्रेसेस हो गए 100, 200, 300 एंड सो ऑन. तो हेड विल कंटेन द एड्रेस ऑफ फर्स्ट नोड, दैट इज 100. तो इसमें 100 स्टोर हो गया हमारा सिंपल सा. नाउ हमारा इस वाली नोड में अगली नोड का एड्रेस स्टोर होगा, दैट इज 200. तो सिंपली दिस नोड विल स्टोर द एड्रेस ऑफ नेक्स्ट नोड, तो 200 आ गया. सिंपली इसमें हमारा अगली नोड का एड्रेस होगा, दैट इज 300. इसमें अगली नोड का एड्रेस, दैट इज योर 400. और यहाँ हमारा बैकस्लैश जीरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है गाइस, नल रिप्रेजेंट कर रहा है. यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंटेड विद द हेल्प ऑफ एक्स, या फिर आप जैसे भी करना चाहें नल भी लिख सकते हो आप उसमें पूरा. तो ये तो हमारा हो गया सिंपल सा एक सिंगल लिंक लिस्ट. अब हम देखते हैं गाइस स्टैक को यूज करके, हम मतलब जब हम रिकर्जन यूज करते हैं तो हमारा उसमें स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है. ओके, क्योंकि जब हम अपने फंक्शन को ही कॉल करते रहेंगे फ्रेंड्स, तो वी विल यूज अ स्टैक टू स्टोर दी प्रीवियस रिकॉर्ड्स, है ना. अगर सपोज हमारा इसके बाद भी एक दो स्टेटमेंट्स और होती फ्रेंड्स, ठीक है. सपोज यहाँ पे मैंने प्रिंट एफ इसके नीचे भी एक दो लाइन यहाँ पे लिख दिया, तो अगर मैंने यहीं पे फंक्शन कॉल कर दिया बीच में, तो मेरी बाकी की स्टेटमेंट बची हुई है ना. सो आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस प्रोग्राम, जैसे सपोज यहाँ पे भी हमारी ये कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा रुक जाएगा प्रोग्राम, है ना. मतलब हमारा ये फंक्शन जो है टर्मिनेट हो जाएगा बेसिकली. सो जो बाकी की स्टेटमेंट्स है तो वो हमारी बाद में चलनी चाहिए ना. सो दैट्स वाई वी विल यूज अ स्टैक हियर. सो स्टैक इज अवर डेटा स्ट्रक्चर विच इज यूज इन आर रिकर्जन कंसेप्ट. सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं दोस्तों सिंपल. अब एज्यूम कीजिए कि सपोज वी आर कॉलिंग दिस एफ फंक्शन फ्रॉम द मेन फंक्शन. ठीक है, हमारा मेन फंक्शन बना हुआ है कहीं पर अपना नीचे आराम से प्रोग्राम में, और मेन फंक्शन से वी आर कॉलिंग दिस एफ फंक्शन. और हम यहाँ पे नोड स्ट्रक्ट नोड स्टार पी में क्या पास कर रहे हैं, वी आर पासिंग द हेड पॉइंटर, दैट इज द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. ओके, तो हमने सिंपली यहाँ पे मेन फंक्शन से यहाँ पे इसको कॉल किया, तो फिर उसके बाद हमारा फंक्शन कॉल हुआ. सो लेट्स से एफ हमारा फंक्शन कॉल हुआ यहाँ पर, एंड इसमें हमारा क्या है गाइस, इनिशियली हमने जब एफ को कॉल किया तो हमने यहाँ पे क्या हेड भेजा हुआ है ना, मतलब अपने पहले नोड का एड्रेस. तो सिंपली विल चेक इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल. अब हम पी में हमारा क्या स्टोर होगा, हेड स्टोर होगा ऑब्वियसली. ओके, सो वी विल हैव अ पॉइंटर पी यहाँ पर, जो हमारा लोकल इस फंक्शन के लिए हमारा पॉइंटर पी बन जाएगा. वी विल चेक पी इज नॉट इक्वल टू नल. यस, ऑब्वियसली आपका पी नल नहीं है. वाई इज इट सो गाइस, जब हमने यहाँ पे पी को भेजा तो मतलब वी आर सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड. सो सिंपली योर पी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस नोड. तो हम चेक करेंगे इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल. यस, ऑब्वियसली आपका पी नल नहीं है. वाई इज इट सो, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू अ पर्टिकुलर नोड, जो कि आपकी पहली नोड है इस केस में. एंड देन सिंपली वी आर सेइंग व्हाट, प्रिंट एफ परसेंटेज डी पी का डेटा. सो इसका डेटा पार्ट हम प्रिंट कर रहे हैं. सो आउटपुट आपका क्या होगा गाइस, हम यहाँ पे लिखते चलते हैं. सो गाइस, हमारा आउटपुट आ गया सिंपल सा 1. एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर अगेन कॉलिंग द फंक्शन एफ. सो दिस फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ. सो सिंपली हमारा एक और फंक्शन कॉल यहाँ पर हो जाएगा गाइस. बट हमको एक चीज क्या ध्यान रखनी है कि हम इस फंक्शन, जब हमारा ये
कॉल एंड हो जाएगी अगली सारी फंक्शन कॉल्स, तो हमको उसके बाद रिटर्न कहाँ पे करना है। सो लेट अस नंबर दीज स्टेटमेंट्स। सो गाइस सपोज ये हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड और फोर्थ है, ओके। सो हमने सिंपल अपना फंक्शन कॉल के यहाँ पे एफ और उसके बाद आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी ऑपरेशंस हमको कहाँ पे रिटर्न करना है, इसी अगली स्टेटमेंट पर, दैट इज फोर। सो हम यहाँ पे अपना एक रजिस्टर होगा विच विल स्टोर दिस कि हमको कौन सी स्टेटमेंट बाद में एग्जीक्यूट करनी है, दिस इज व्हाट वी कॉल एज द इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। सो सिंपली वी आर स्टोरिंग दी इंस्ट्रक्शन जो कि हमको इस फंक्शन कॉल के बाद फॉर्म करनी है बाकी की बची हुई, ओके। क्योंकि हो सकता था ना यहाँ पे हमारी एक दो स्टेटमेंट्स और होती तो फोर फाइव जो भी हमारी होती, तो यहाँ से हमारे को बिगिन करना है बाद में। देन आफ्टरवर्ड्स अगेन आर फंक्शन कॉल इज मेड। अब इस फंक्शन कॉल में गाइस हमारा क्या पास हुआ है, अब चेक कर सकते हैं। जब हमने एफ को कॉल किया ना तो हमने कहा पी का नेक्स्ट। अब इनिशियली गाइस हमारा पी जो था ना वो इसको पॉइंट कर रहा था, है ना, फर्स्ट नोड को। सो पी का नेक्स्ट मतलब इस नोड का नेक्स्ट पोर्शन, दैट इज 200। सो सिंपली वी आर पासिंग वर्ड पी में 200 पास कर रहे हैं। सो जो आपका इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल पॉइंटर जो बनेगा, दिस विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू वर्ड 200, जिस नोड का एड्रेस होगा, दैट इज इस वाली नोड को वो पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। एंड आफ्टरवर्ड्स वी विल चेक अगेन इफ पी, दैट इज इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल। यस ऑब्वियसली आपका पी नल नहीं है, वाई इज इट सो, बिकॉज इट इज पॉइंटिंग टू अ वैलिड नोड। सिंपली वी विल से प्रिंट एफ परसेंटेज डी पी का डेटा, दैट इज इस नोड का जो डेटा है ना वो प्रिंट हो जाएगा। तो हमारा आउटपुट में क्या जाएगा, वन के बाद टू प्रिंट हो जाएगा। एंड अगेन गाइज वी आर सिंपली कॉलिंग दैट फंक्शन अगेन, एफ को हम दोबारा कॉल कर रहे हैं तो हमारी एक और फंक्शन कॉल आ जाएगी, ओके। और हमको कहाँ पे रिटर्न करना है गाइज, ये चीज़ हमको ध्यान रखनी पड़ेगी कि जैसे हमारा ये कॉल फंक्शन कॉल्स आगे की ओवर होंगी, वी हैव टू रिटर्न बैक टू दी फोर्थ स्टेटमेंट। अगेन हमारा फंक्शन कॉल हुआ एफ फिर से, अब इसमें हमने क्या पास किया, पी का नेक्स्ट, दैट इज इस वाली नोड का नेक्स्ट पोर्शन। तो हमने 300 पास किया इस फंक्शन में आपकी बारी। तो जो हमारा इस फंक्शन के लिए लोकल वेरिएबल बनेगा गाइज, दिस विल स्टार्ट पॉइंट इन टू अ नोड हुज एड्रेस इज 300, है ना, क्योंकि हमने पी का नेक्स्ट जो कि हमारा 300 था तो हम 300 पास कर रहे हैं। तो जिस नोड का एड्रेस 300 है, ये हमारा जो पॉइंटर लोकल पॉइंटर पी होगा इस पर्टिकुलर फंक्शन के लिए, इसको पॉइंट करना स्टार्ट कर देगा। सो दैट्स व्हाई गाइस अब हम चेक करेंगे पी इज नॉट इक्वल टू नल, यस आपकी कंडीशन ट्रू हुई, पी नल नहीं है, तो सिंपली विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड, पी का डेटा 3 प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर से हम फंक्शन कॉल करेंगे फ्रेंड्स, ओके। एक और आपकी यहाँ पे फंक्शन कॉल होगी एंड यहाँ पे हमको क्या ध्यान रखना है कि इसके बाद हमारे को चौथी स्टेटमेंट पे पहुंचना है आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दी टास्क जो कि हमारे आगे होंगे। तो अब हमारा एफ इस फंक्शन में हमने क्या पास किया था, जो कि हमारा अगला फंक्शन है पी का नेक्स्ट, मतलब अब आपका पी यहाँ पे लोकल जो पी था इनिशियली, जो लेटेस्ट आपका पी था, इट वाज पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड। तो पी का नेक्स्ट मतलब 400, इस नोड का पर्टिकुलर एड्रेस 400। सो वी आर पासिंग 400 हियर। तो जो आपका नेक्स्ट फंक्शन कॉल हुई है उसमें पी में क्या स्टोर होगा गाइस, आपका 400 एड्रेस स्टोर होगा। सो दैट्स व्हाई ये जो आपका पी है, दिस विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड। एंड नाउ वी विल चेक गाइस व्हाट इफ पी, इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, यस अभी आपका पी नल नहीं है क्योंकि इट इज पॉइंटिंग टू अ वैलिड नोड। हम सिंपली पी का डेटा प्रिंट कर रहे हैं तो आपका 4 प्रिंट हो जाएगा एंड देन एफ ऑफ पी का नेक्स्ट। नाउ अगेन वी आर कॉलिंग अ फंक्शन एफ, दैट इज आपका एक और फंक्शन कॉल होगा गाइस यहाँ पे एफ का, और आपको रिटर्न कहाँ करना है, फोर्थ वाली लाइन पे, मतलब इस वाली लाइन के अगली लाइन पे आपको रिटर्न करना है। फिर से गाइस अब देखिए हमारा यहाँ पे, अब हमने एफ को कॉल किया किस चीज़ से, पी के नेक्स्ट से। अब इनिशियली जो आपका लेटेस्ट पी था इट वॉज पॉइंटिंग टू वट दिस नोड, नाउ पी का नेक्स्ट हमने भेजा है अगले फंक्शन कॉल में, तो पी का नेक्स्ट क्या होगा, पी का नेक्स्ट दैट इज दिस, तो नल हो गया। तो वी हैव सेंट वट नल, तो पी जो है आपका इस वाले केस में गाइज, दिस विल स्टोर दी वैल्यू एज नल, तो इसमें नल आ गया। तो वी विल चेक इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, नहीं आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई, तो सिंपली यहाँ पे हमारा कुछ आउटपुट नहीं आने वाला है एंड सिंपली वी विल रिटर्न फ्रॉम द फंक्शन, दैट इज हमारा जो स्टैक में रिकॉर्ड है ये हम पॉप कर देंगे, ओके। नाउ ये हो गया हमारा, नाउ विल रिटर्न बैक टू दिस पर्टिकुलर फंक्शन अगेन। अब हमको क्या करना था, हमें फोर्थ वाली अपनी स्टेटमेंट से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना था। तो फोर्थ स्टेटमेंट का कोई एग्जीक्यूशन नहीं, सिंपली हमारा ब्रेस क्लोज हो रहा है, दैट इज इसका हमारा फंक्शन कॉल कंप्लीट हो गया। सो दैट्स वाई ये हमारा कंप्लीट हो गया एंड देन वी विल पॉप दिस। एंड अगेन आफ्टरवर्ड्स हमारा अगला जो प्रीवियस था फंक्शन कॉल, उसमें हमारा फोर्थ स्टेटमेंट होना था एग्जीक्यूट, दैट इज गाइज हमारा इफ पूरा हो गया और हमारा फंक्शन पूरा हो गया। सो गाइज दैट्स व्हाई हमारा ये पॉप हो जाएगा, देन अगेन दिस विल बी पॉप्ड ऑफ एंड दिस विल बी पॉप्ड ऑफ। सो गाइज हमारी सारी एंट्रीज जो है पॉप हो जाएंगी स्टैक से एंड आफ्टरवर्ड्स मेन में जो भी हमारी इंस्ट्रक्शन रही होगी उसके बाद, सपोज nth इंट्रीएशन हमारी इंस्ट्रक्शन जो है चलनी है, तो उसके बाद वो वहाँ से कंटिन्यू काम कर देगा। सो दिस विल अगेन बी पॉप्ड ऑफ जो भी हमारा होगा सारा। तो ये था गाइज हमारा स्टैक का ट्रेस बेसिकली। तो इस फंक्शन का आउटपुट क्या रहा है आपका, 1, 2, 3, 4। सो वी आर प्रिंटिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल लिंक्ड लिस्ट यूजिंग द रिकर्जन कंसेप्ट हियर। अब नाउ वी विल सी अगेन एक और प्रोग्राम देखते हैं, बस बिल्कुल सेम प्रोग्राम है, इसको इंटरचेंज कर देंगे, इसको इधर इसको इधर, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आएगा। अब नाउ फ्रेंड्स हम इसको देखने वाले हैं सेकंड प्रोग्राम को, देखो बिल्कुल वही कंसेप्ट है, बस हमने ये दो लाइन इंटरचेंज कर दिए, एफ ऑफ पी ऑफ नेक्स्ट को हमने ऊपर कर दिया और प्रिंट एफ को हमने नीचे कर दिया, ओके। सो अब हम इसका आउटपुट देखते हैं यूजिंग दिस कंसेप्ट ओनली, रिकर्जन के थ्रू हम इसका आउटपुट क्या आता है अब। सो गाइस इनिशियली सपोज हमने मेन से ही इस फंक्शन को कॉल किया एफ को, ठीक है, जैसे मैंने उस वाले फंक्शन को कॉल किया था। सो नाउ जो हम मेन से पास कर रहे हैं, तो वी आर सेंडिंग द एड्रेस ऑफ द हेड नोड हियर ऑल्सो, तो हेड हमारा इसको पॉइंट कर रहा है इनिशियली, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यूज फिल करके रखी हुई है फ्रेंड्स, ओके। सो जो हमने पहली फंक्शन कॉल करी एफ, सो हमारा पी में क्या स्टोर होगा फ्रेंड्स, वी आर सेंडिंग दी एड्रेस ऑफ द फर्स्ट नोड, सो दैट्स इनिशियली योर पी विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस फर्स्ट नोड पर्टिकुलर नोड, विल चेक इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, यस आपका पी नल नहीं है अभी। तो अब आप देखिए हमने सबसे पहले यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दी, ठीक है, वी आर नॉट प्रिंटिंग एनीथिंग, हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल कर दी।
तो हमने एक और यहाँ पे फंक्शन कॉल इनिशिएट कर दिया ऑलरेडी। नाउ इस फंक्शन कॉल को हमने इनिशिएट कर दिया है, बट आफ्टर दिस जो हमारा पूरा एग्जीक्यूशन फॉर्म हो जाएगा बाद में, तो हमको कहाँ पे रिटर्न करना है, इसकी अगली स्टेटमेंट पे, दैट इज गाइज जो हमारी थर्ड स्टेटमेंट है हमको यहाँ पे बाद में कंटिन्यू रखना है। सो हम यहाँ पे स्टोर कर लेंगे अपने रजिस्टर में कि हमको थर्ड इंस्ट्रक्शन से काम करना है बाद में। अगेन हमारा एफ कॉल हुआ, आप चेक कर सकते हैं हमने एफ में क्या पास किया है दोस्तों, पी का नेक्स्ट, दैट इज पी वॉज पॉइंटिंग टू दिस, पी का नेक्स्ट मतलब इसकी अगली नोड का एड्रेस 200, तो हमने इसमें 200 पास किया है। सो जो आपका पॉइंटर बनेगा इस वाले फंक्शन के लिए, लोकल पॉइंटर जो होगा, दिस पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू अ नोड जिसका एड्रेस 200 है। अब इस नोड का एड्रेस 200 है, सो दिस पॉइंटर विल स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड। फिर से आप चेक करेंगे इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, यस आपकी कंडीशन ट्रू हो गई दोस्तों। अगेन वी आर कॉलिंग द फंक्शन एफ पी का नेक्स्ट। सो एक और फंक्शन आपकी कॉल हुई, देखिए फंक्शन कॉल एफ की हुई, एंड आफ्टर दिस आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल दी स्टेटमेंट्स आफ्टरवर्ड्स हमको कहाँ रिटर्न करना है, थर्ड स्टेटमेंट पे रिटर्न करना है। तो हमने यहाँ पे स्टोर कर लिया कि हमको थर्ड स्टेटमेंट पे वापस आना है। एंड इस फंक्शन कॉल में हमने क्या पास किया गाइस, पी का नेक्स्ट, दैट इज पी आपका इसको पॉइंट कर रहा है ना, तो 200 जिस नोड का एड्रेस है, तो पी का नेक्स्ट दैट इज 300। सो नाउ जो आपका पी है गाइस जो हमने पास किया ऊपर इस वाले फंक्शन के पी में हमारा क्या स्टोर होगा, इस नोड का नेक्स्ट एड्रेस दैट इज 300। सो दिस पी विल नाउ स्टार्ट पॉइंटिंग टू दिस पर्टिकुलर नोड जिसका एड्रेस 300 है। नाउ अगेन वी विल चेक इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, यस आपकी कंडीशन ट्रू हुई, पी नल नहीं है अभी। फिर से हमने क्या करा, फंक्शन कॉल कर दी पी के नेक्स्ट के साथ में। सो गाइस हमने एक और फंक्शन कॉल कर दी पी का नेक्स्ट के साथ में, मतलब पी आपका इसको पॉइंट कर रहा था, अब पी का नेक्स्ट मतलब नल। तो सिंपली जो आपका इस वाले फंक्शन का पी है गाइस, दिस विल स्टोर दी वैल्यू ऑफ पी एज नल, तो इसमें नल स्टोर हो जाएगा। एंड हमको क्या ध्यान रखना है कि आफ्टर एग्जीक्यूटिंग ऑल दी टास्क आफ्टरवर्ड्स हमको थर्ड वाली लाइन पे वापस आना है, ठीक है, यहाँ से हमें एग्जीक्यूशन परफॉर्म करनी है। तो आप देख सकते हैं गाइस आपका पी नल हो गया। अब फिर से जब हमने यहाँ पे चेक किया, हमारी कंडीशन चेक करते हैं, इफ पी दैट इज इफ पी इज नॉट इक्वल टू नल, आपकी कंडीशन फॉल्स हो गई। वाई इज इट सो फ्रेंड्स, बिकॉज आपका पी यहाँ पे नल है, सो दैट्स वाई आपकी कंडीशन फॉल्स हुई, यहाँ पे हमारा कुछ परफॉर्म नहीं होगा ऑपरेशन, एंड सिंपली आपका फंक्शन ओवर होगा। सो आपकी ये सारी ऑपरेशन परफॉर्म हो गई, एंड दिस विल बी पॉप्ड ऑफ, दिस फंक्शन कॉल विल बी पॉप्ड ऑफ। एंड आफ्टरवर्ड्स अब आप गाइस देख सकते हैं कि हमको यहाँ पे क्या करना था, थर्ड वाली लाइन से एग्जीक्यूशन परफॉर्म करना है। सो अब थर्ड लाइन मतलब ये वाली लाइन, सो प्रिंट एफ परसेंटेज डी पी का डेटा, सो इसका पी इसको पॉइंट कर रहा है, तो सिंपली आउटपुट क्या होगा गाइस, इसकी नोड का डेटा पार्ट, दैट इज योर आउटपुट विल बी 3। ओके, एंड आफ्टर 3 आपका यहाँ पे इफ कंडीशन खत्म हुआ, एंड आफ्टरवर्ड्स आपका फंक्शन कॉल भी पूरा हो गया। सो आपका फंक्शन कॉल पूरा हो गया, तो सिंपली दिस स्टैक रिकॉर्ड विल बी पॉप्ड ऑफ, ठीक है, स्टैक से ये हट जाएगी आपकी एंट्री, फिर से आप प्रीवियस रिकॉर्ड पे जाएंगे। अब आप देखेंगे कि हमको थर्ड वाली लाइन से कंटिन्यू करना है, थर्ड लाइन के कह रही है पी का डेटा, पी आपका इसको पॉइंट कर रहा है, तो इस नोड का डेटा पार्ट क्या हो गया गाइस, आपका 2 हो गया। तो सिंपली यू विल प्रिंट द वैल्यू ऑफ 2, आपका इफ खत्म हुआ, फंक्शन खत्म हुआ, तो फंक्शन कॉल खत्म हुई, तो यू विल पॉप ऑफ दिस रिकॉर्ड फ्रॉम दिस स्टैक। एंड अगेन हम गाइस प्रीवियस वाली फंक्शन कॉल पे जाएंगे, इसमें हमें थर्ड वाली स्टेटमेंट से कंटिन्यू रखना है, सो प्रिंट एफ पी का डेटा, सो इस वाले पी का डेटा क्या है 1, तो सिंपली विल गेट द वैल्यू एज 1। एंड अगेन हमारा पूरा फंक्शन ओवर हुआ, तो हम पॉप कर देंगे इस वाले फंक्शन कॉल को भी, पूरे रिकॉर्ड को। एंड गाइस मेन के बाद हमारी कुछ भी अगर सपोज फिफ्थ स्टेटमेंट होगी कोई, तो वहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ओके, एंड गाइज आफ्टरवर्ड्स मेन की हमारी सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी और ये हमारा पॉप हो जाएगा। तो सिंपली हमारा जो स्टैक था, स्टैक विल नाउ बिकम एम्प्टी, एंड नाउ गाइज यू कैन सी द आउटपुट इज 3, 2, 1, दैट इज आपका जो लिंक लिस्ट है ना, इन दोनों लाइनों को चेंज करने से आपका रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट हो गया है ना। अब एक चीज़ क्या है, इफ अगर आप नॉर्मल लिंक लिस्ट को रिवर्स करते हो फ्रेंड्स, दैट इज अगर आप रिवर्स में प्रिंट करते हो, अगर आपका नॉर्मल लिंक लिस्ट होता तो आप कैसे करते हैं विदाउट रिकर्जन, आप एक कंसेप्ट ऐसे यूज कर सकते थे कि आप सपोज वाइल ट्रेवर्सिंग योर लिंक लिस्ट, जैसे हम ट्रेवर्स करते हैं तो 1, 2, 3, 4 प्रिंट करते चलते हैं ना, आप प्रिंट ना करते, एक स्टैक अलग से मेंटेन रखते और आप स्टैक में उसको वैल्यूज को इंसर्ट करते जाते हैं। वाइल ट्रेवर्सिंग आपने 1 को इंसर्ट किया, 2 को इंसर्ट किया, 3 को इंसर्ट किया, एंड सो ऑन, जितनी भी आपकी सारी वैल्यूज हैं, सपोज यहाँ पे 3 ही वैल्यू है। एंड जैसी हमारी लास्ट नोड आएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया हमने एक स्टैक मेंटेन किया, उसमें हम वैल्यूज डाल दे गए, 1 डाल दिया, 2 डाल दिया, 3 डाल दिया, एंड सो ऑन, जो भी आपकी लास्ट नोड थी यहाँ तक आ गया। फिर जैसे ही आपका नल आता है उसके बाद आप अपना स्टैक रिकॉर्ड्स को पॉप करना स्टार्ट कर दो यूजिंग द टॉप पॉइंटर। तो सिंपली यू विल प्रिंट द वैल्यू, और जैसे आप पॉप करोगे उसको प्रिंट कर दो, तो 3 प्रिंट कर दो, 2 प्रिंट कर दो, 1 प्रिंट कर दो। तो विदाउट यूजिंग रिकर्जन आप इसको कर सकते हो, बट उसमें आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा कंसेप्ट लगाना पड़ेगा, दैट इज आपको लिंक लिस्ट के साथ साथ में स्टैक का भी इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा, और आपको लिंक लिस्ट को ट्रेवर्स करते करते स्टैक में एलिमेंट्स डालने पड़ेंगे, और उसके बाद आपको अपने स्टैक से एलिमेंट्स को पॉप कराते हुए उनको प्रिंट कराना पड़ेगा। सो गाइस आपका ये एक वैलिड मेथड हो सकता है। ओके गाइस, सो दिस वॉज द कंसेप्ट बिहाइंड प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ अ सिंगल लिंक लिस्ट यूजिंग रिकर्जन। ऐसे आप अपना कोड लिखते हो तो सिंपली आपकी 1, 2, 3, 4 फॉरवर्ड डायरेक्शन में हम प्रिंटिंग कर रहे हैं, एंड अगर आप ये दो लाइन इंटरचेंज कर देते हो तो इससे क्या होता है आपका गाइस पूरा रिवर्स ऑर्डर में आपका लिंक लिस्ट जो है प्रिंट हो जाता है। सो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, एंड बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं गाइस, क्रिप्टोग्राफी, इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स, आप चेक कर सकते हैं, आई विल गिव द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। एंड टिल टाइम टेक केयर, गुड बाय।